आज आपको भी बताता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों भी ये फोन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या, और बाद अनजाने में भी गलती कर जाते हैं कि क्या किसी सिविल सूट में डेड पर्सन को भी फरीक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों बात ये है कि किसी भी डेड पर्सन को आप फरीक नहीं बना सकते। सूट फाइल करने से पहले अगर उसकी डेथ हो गई है तो किसी सूरत में आप डेड पर्सन के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर किसी स्टेज पे इवन चाहे आपने कोर्ट को बताए बगैर सूट डिग्री भी करा लिया तो फिर भी डेड पर्सन के खिलाफ जो अगर सूट डिग्री हो गया है तो वो नल एंड वॉइड है। आप किसी भी मरहले पर अप्लीकेशन देकर 12-2 की ही लगेगी तो उसको सेट असाइड कराया जा सकता है कि ये बरबिनाए फ्रॉड था, वो बंदा की डेथ हो गई थी सूट फाइल करने से पहले ही, उसको पार्टी बनाया गया और पार्टी बनाने के बाद एक्स पार्टी भले उसको डिग्री भी करा लिया तो डेड पर्सन के खिलाफ कभी भी सिविल सूट फाइल नहीं हो सकता। हमेशा लिविंग पर्सन के खिलाफ सूट फाइल हो सकता है। हाँ, किसी ने अगर कोई मुआहदा ऐसा कर लिया डेड पर्सन के बाद, उसके साथ मुआहदा हो गया, मसलन कोई प्लाट खरीद लिया, मकान खरीद लिया और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो आप लीगल आयर्स को वो पार्टी बनाकर फिर सूट फाइल कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसी सूरत हाल आ गई कि उसका कोई भी आगे पीछे नहीं है, कोई भी लीगल आयर्स नहीं है, तो फिर भी आप उसको डेड बॉय लिख कर फिर हुकूमत को फरीक बनाएंगे कि ये जो है ना उसका कोई भी लीगल आयर्स नहीं है। मतलब ऐसा बहुत कम होता है, आखिर कोई बहन भाइयों, कोई चचा भतीजा, कोई करीब के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, कोई ना कोई निकल ही आता है। लेकिन अगर फिर भी ऐसी सूरत हाल है तो ये भी आपके नॉलेज के लिए है, तो फिर जो है वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के थ्रू गवर्नमेंट को पार्टी बनाया जाएगा और उसमें आप ये फिक्रे में भी, सूट के फिक्रे में ये वजाहत करेंगे कि ये बंदा उसके साथ तामील मुआहदा मुख्तस हुआ था लेकिन उसकी डेथ हो गई है और अभी हम पार्टी जो है ना वो किसको बनाए, लिहाजा किसी और को बना रहे। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे लोग इसको छुपा लेते हैं, उसका वो मरना वो शो ही नहीं करते और जो है दावा ऐसे ही फाइल कर लेते हैं। तो मेरी बात याद रखें, लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर डेड पर्सन के खिलाफ कोई भी सूट फाइल भी नहीं हो सकता और अगर कोई डिग्री ऐसी हो गई है तो वो नल एंड वॉइड है, अप्लीकेशन एक देकर उसको ख़त्म किया जा सकता है। आई होप यू हैव आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू।